saiyo. सिर्फ आपने मुझे समझा, अब ये भी समझेंगे कि मेरी आई के जाने का मैं ही कारण हूं। और उस दिन उन्होंने मेरे लिए ही उपवास रखा था और वो ये कलम इस गुलाब के पेड़ से है। एक जमाने में ये पेड़ हरा भरा था, फिर अचानक सूखने लगा। मैंने खाद पानी सब दिया, फिर भी ये हरा भरा नहीं हुआ। जानते हो क्यों बुटिया? यही कालचक्र है, जो आता है उसे जाना होता है। हमारी लाख कोशिशों के बाद भी हम ये रोक नहीं सकते। हमारे माता पिता भी इन पेड़ों की तरह होते हैं। जीते जी पेड़ हमें छाया, खुशबू और फल देते हैं, और मां स्नेह ममता और अच्छी सीख देती है। लेकिन इन पेड़ों की तरह मां बाप भी जीवन भर साथ नहीं निभाते हैं। लेकिन देखो बुटिया, ये पेड़ नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि इसका नामो निशान नहीं है। ये गुलाब की कलम इसी पौधे का हिस्सा है। एक दिन यह खुद बड़ा होगा और फूल देगा। वैसे ही मां बाप बच्चों के रूप में जीवित रहते हैं, क्योंकि तुम अपनी आई का ही अंश हो। जब तक तुम हो, तुम्हारी आई तुम में जिंदा है। इसलिए अपना ख्याल रखो, हर वो काम करो जिससे तुम्हारी आई को सुख मिलता था। इस तरह तुम अपनी आई के आदर्शों को, उनकी मान्यताओं को अपने अंदर जीवित रख सकते हो। जी साईं, लेकिन मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, मैं अपनी आई को भुला नहीं पा रहा हूं। मुझे अभी भी जरूरत है मेरे आई के मार्गदर्शन की। लेकिन ये जरूरी भी तो नहीं साईं कि पेड़ की हर टूटी हुई शाख से एक नया पौधा उगाया जा सके। शायद मैं वो कलम हूं जो पौधे से अलग होके व्यर्थ हूं। ये पत्थर अपने पूजा घर में रख लेना, ये तुम्हें एहसास दिलाएगा कि तुम्हारी आई तुम्हारे साथ है। तुम्हारे हर सवाल का जवाब देगा ये पत्थर। आप मेरी आई की तुलना एक पत्थर से कर रहे हैं साहब? नहीं बाबू साहब। नहीं नाना साहब, आपके कहने पर मैं यहां तक तो आ गया। मैंने साई को एक मौका दिया, मुझे खुद को लगा साई चमत्कारी है, शायद मुझे मेरी आई दिखा सकते हैं। यहां आया तो और अच्छा लगा, ऐसा लगा कि कोई तो मेरी पीड़ा समझता है। लेकिन साई ने मुझे ये पत्थर, मेरी आई पत्थर नहीं ममता की मूरत थी,
वो दया करुणा और त्याग की मूर्त थी। मेरी आय की तुलना एक पत्थर से कैसे कर सकते हैं? सब जानते हुए भी इन्होंने ये पत्थर देकर मेरी पीड़ा का मजाक उड़ाया। ऐसा नहीं है, जरूर कोई बात होगी, वरना साई ऐसा। बस थोड़ी देर के लिए मैं बह गया था कि साई मेरी मदद करेंगे। वो मेरी बहुत बड़ी भूल थी, लेकिन अब समय की बर्बादी और नहीं, हम कल सुबह सुबह ही नागपुर वापस लौट जाएंगे। श्रद्धा सबूरे मन में साई के क्या है कौन जान पाए। साईओम 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 आगे आगे क्या हुआ आप लोगों को? भाई साहब हमारी सहायता कीजिए। दरअसल हमने अपनी आई से वादा किया था कि उसे सोने की माला देंगे, लेकिन सुनार के पास से लौटते समय लुटेरों ने हमें लूट लिया। और देखिए ना हमारा मार मार के क्या हाल किया है। देखिए हमारी क्या हालत कर दी, कितना खून बहा है। आप हमारी कुछ मदद कर दे तो, सोना ना सही, नकली माला ले जाएंगे हमारे आई के लिए। आए, आए, आए। हाँ भाई साहब, कम से कम मरने से पहले उसे झूठी खुशी तो दे पाएंगे हम। झूठी खुशी क्यों भाई? जब आई से वादा की है तो सोने की ही माला दो। ये लो भाई, और मेरी आई के लिए प्रार्थना करना। भाई साहब बड़े दयालु हैं आप। आई शुक्रिया शुक्रिया, धन्य धन्य है वो आई जो उनको आप जैसा बेटा मिला। पंता जी, ये तो पैसे कमाने का हमें नया तरीका मिल गया है, अब हम रोज भेष बदल कर इसे लूटा करेंगे। सरकार को भीख मांगने के बारे में पता ना चले, वरना ये धंधा बंद करा देंगे। चलिए चलिए। प्रणाम साईं। राम जी भला करे। और सब खैरियत? हाँ साईं, आपका करम है। प्रणाम साईं। राम जी भला करे। साईं, साईं मेरे पति की तबीयत थोड़ी खराब है। मैंने कई बार उनसे कहा कि किसी वैद्य को दिखा दीजिए, लेकिन वो कहते कि ठीक हो जाऊंगा, रहने दो, कल से बुखार बढ़ता ही जा रहा है। सावित्री, ये क्या हाल बना रखा है? मैंने तो तुम्हें पहचाना ही नहीं, हमेशा तुम इतने सारे गहनों से लदी रहती थी। सब खैरियत तो है ना? हाँ हाँ रेहान आपा, सब ठीक है,
वो इन्होंने कहा कि आजकल आसपास के गांव से चोरी की खबर आ रही है, तो सारा सोना घर पर ही रखो। जी चलते हैं साईं। सावित्री। हाँ सर। इसे काटकर धनीराम को खिला देना, उसकी तबीयत ठीक हो जाएगी। धन्यवाद साईं। सावित्री। हाँ साईं। चिंता मत करो, धनीराम की तबीयत और धनीराम दोनों ठीक हो जाएंगे। हरिओम। दिन का आरंभ इस मनोज बस्ती वाली का मुंह देख के हो गया। हाँ सरकार, ये सलीम और रेहाना भी तो उस फकीर के ही चेले हैं। आज इन्हें इनकी औकात दिखानी पड़ेगी। गाड़ी तेज भगाओ, चलो। तो ये तेरा काला जादू है फकीर। मनुष्य जब कर्मों से ज्यादा काला जादू पर विश्वास करे तो वो अंधकार में है। वो ये कैसे देख पाएगा कि जब कर्म है तो कर्मफल भी होगा। दूसरों पर कीचड़ उछालने में खुद पर भी छींटे पड़ सकते हैं कुलकर्णी सरकार। ऐसे छोटे मोटे टोटकों से खुश होता रहे फकीर, लेकिन तेरी कोई भी बड़ी मंशा मैं पूर्ण नहीं होने दूंगा। शिरडी में घर बनवाना चाहता है ना तू? लेकिन याद रख, मुखिया हूं मैं, राजा हूं शिरडी का राजा। घर बनवाने के लिए अनुमति लेनी पड़ती है और वो अनुमति मैं तुझे नहीं दूंगा। क्योंकि मैं चाहता हूं कि तू भिखारियों की तरह रह, भिखारी। आपने देर कर दी सरकार, मेरा घर तो शिरडी में पहले ही बन चुका है। क्या? और मैंने वहां रहना भी शुरू कर दिया है। ये तेरा कौन सा काला जादू है फकीर? और वैसे घर बन भी चुका है तो घर से निकलवा दूंगा तुझे, फेंक दूंगा वहां से बाहर, और नहीं निकला हूं तो तोड़ दूंगा तेरा घर। नहीं तोड़ पाएंगे, नहीं निकलवा पाएंगे आप, क्योंकि मेरा घर शिरडी वासियों का दिल है। <laughs>
शिरडीवासियों का दिल ऐसी बातों से अपना दिल बहला ले फकीर, तेरा घर बनेगा नहीं क्योंकि अनुमति तुझे मिलेगी नहीं। हरिओम। होई है सोई जो राम रची राखा है? राम जी ने घर बनाने वाला तो भेज दिया है, अनुमति भी वही दिलवा देंगे। राम जी भला करे। हरिओम। चलो। ये पत्थर मेरी आई के पास क्यों रखा है? फेंको इसे। आप गुस्सा मत कीजिए जी, मेरी श्रद्धा समझकर रख लीजिए, और कुछ नहीं तो साईं का आशीर्वाद समझकर। ठीक है, लेकिन ये घर पे मेरे आई के पास नहीं रहेगा, क्योंकि एक पत्थर की तुलना मैं अपनी आई के साथ करके उनका और अपमान नहीं कर सकता, चाहे किसी ने भी दिया हो पत्थर। सामान बांध लो, हमें निकलना है। जी, बाकी सब तो रख लिया है, बस आपकी पगड़ियां बाहर है। मैं चाहती हूं कि आज आप पगड़ी पहने बिल्कुल पहले की तरह। पगड़ी? लेकिन पगड़ी तो मुझे आई बताती थी ना, मैं कैसे बताऊं? सहके ही पत्थर आई है कहलाए, घोर अगन में सोना तप के निखरे घना सुहाए, दुख की आंधी में मुस्का के जो तू हरी गुन गाए, प्रभु जी करे सहाय, प्रभु जी करे सहा, प्रभु जी करे सहा। नीरा, आज मुझे मेरी आई मिल गई। मेरी आई मेरे साथ है। आज मैं पीली पगड़ी पहनूंगा। बुढ़िया, ये पत्थर अपने पूजा घर में रख लेना, तुम्हारे हर सवाल का जवाब देगा ये पत्थर। आप मेरी आई की तुलना एक पत्थर से कर रहे हैं साईं? नहीं नहीं नाना साईं, मेरी आई की तुलना एक पत्थर से कैसे कर सकते हैं? सब जानते हुए भी इन्होंने ये पत्थर देखकर मेरी पीड़ा का मजाक उड़ाया। मैंने साईं को कितना गलत समझा, अब मैं साईं को कैसे मुंह दिखा पाऊंगा? साईं किसी की बात का बुरा नहीं मानते। आप चलिए साईं के पास अभी। मूर्खों, पता करो शिरडी में उस भिखारी का घर बनवाने कौन आया है? कोई भी धनवान व्यक्ति उसे मिलने के लिए आए तो मुझे सूचित करो। हरिओम। सरकार, वैसे शिरडी में एक धनवान तो आया है, नागपुर का कोई साहूकार है, क्या नाम था उसका? बापू साहेब बूटी।
हाँ सरकार, वही 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 पता है सरकार, वो शिरडी के सभी भिखारियों में पैसे बांट रहा है। पैसे बांटते हुए देखा तुम लोगों ने? सरकार पैसे बांटते हुए क्या, हमने तो देखा है सरकार, देखा है, तभी तो बता रहे। हाँ सरकार। अरे यो, क्या नाम बताया? बापू साहेब बूटी। बापू साहेब बूटी, नागपुर का साहूकार, वो तो बड़े धनवान व्यक्ति हैं। हो सकता है वो फकीर अपने काले जादू से उन्हें प्रभावित करके उनसे घर बनवा ले। तुम दोनों बापू साहेब पे दृष्टि बनाए रखो। जी सरकार। जी सरकार। चलिए। हरिओम हरिओम।